नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है प्रिया ट्रैवल लाइफ में। ट्रैवल लवर्स घूमने के लिए हमेशा नई जगह को एक्सप्लोर करने की कोशिश में रहते हैं, जहां वह एंजॉय कर सके। हालांकि दुनिया में ऐसी जगह भी है जो ट्रैवल के लिहाज से काफी खतरनाक है। साल 2020 में कौन सी जगह ट्रैवल के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकती है, इससे जुड़ा एक सर्वे सामने आया है। बेहतर यही है कि आप रिस्क न ले और इन जगहों पर जाना अवॉइड करें। इंटरनेशनल SOS नाम की एक मेडिकल एंड ट्रैवल सिक्योरिटी रिस्क सर्विस कंपनी ने अपनी 11वीं ट्रैवल रिस्क मैप जारी किया है। इसमें उन्होंने 2020 की सबसे खतरनाक प्लेसेस के बारे में प्रेडिक्शन किया है। इन रैंकिंग को ग्लोबल रिस्क एक्सपर्ट्स द्वारा 3 पैमानों पर तय किया गया है। ये पैमाने हैं मेडिकल, सिक्योरिटी और रोड सेफ्टी। लीबिया, सोमालिया, दक्षिण सूडान और मध्य अफ्रीकी गणराज्य को हर पैमाने पर बेहद खतरनाक पाया गया है। इन जगहों के अलावा खतरनाक देशों की लिस्ट में उत्तर पूर्व अफ्रीका का माली, सीरिया, इराक, यमन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के कुछ हिस्से, उत्तर कोरिया को भी शामिल किया गया है। वहीं सबसे सुरक्षित देशों की लिस्ट में नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, लक्जमबर्ग, स्लोवेनिया, एंडोरा, स्वालबॉर्ड और ग्रीनलैंड को शामिल किया गया है। ऐसे में इन जगहों पर सुरक्षा की चिंता किए बगैर बिना झिझक के भी जाया जा सकता है। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए प्रिया ट्रैवल लाइट।